हाय फ्रेंड्स, शानदार खबर के साथ मैं आया हूँ साहब किंग साहब आपके साथ। वो खुश खबर ये है कि होंडा ने लॉन्च किया है होंडा साइन एसपी 125 BS6 का, जो एक बहुत अच्छा शानदार बाइक है जो आपके मन को जरूर है अच्छा लगेगा। मतलब अगर आपका बजट कम हो और आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा बाइक खरीदूँ, अच्छा माइलेज हो, स्टाइलिश भी हो, लुक भी अच्छा हो, और ये सब मामले में मैं मतलब डिजिटल मतलब मॉडर्न तरीके के हो, अपने अपडेट जमाने के भी हो, तो ये सब लेकर आए हैं। होंडा ने गाड़ी लॉन्च किया है होंडा साइन एसपी 125 जो BS6 का है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बिल्कुल, होंडा ने आपको मनपसंद बाइक लॉन्च किया है होंडा साइन एसपी 125 BS6 में इंजन आ रहा है, और बहुत ही खास बात यह है ये बाइक 5-speed गियरबॉक्स में आ रहा है, और उसका जो मतलब साइलेंसर है ना, उसका एक मफलर दिया गया है जो क्रोम फिनिशिंग में, जो एकदम अलग लुक देता है बाइक को। और उसका इंजन BS6 का है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, 10.9 BHP का पावर जनरेट करता है और 10.9 Nm पर टॉर्क का पावर देता है। ये और खास बात ये है कि इसका ग्राफिक्स कुछ थोड़ा सा अलग किया गया, लगभग सेम है बाइक लगभग सेम है, लेकिन अंदाज थोड़ा अलग दिया गया है। और इसका जो होता है मतलब आपको मिलेगा सब कुछ डिजिटल मिलेगा, डिजिटल मीटर, और खास बात है इसमें आपको इको इंडिकेटर दिया गया है, जो इकोनॉमी जब उसका लाइट ग्रीन होता है मतलब इसे पता चलता है कि आप इकोनॉमी में चल रहे हैं। और जो डिजिटल मीटर है उसके मतलब टॉप के राइट साइड में दिखाता है आपका माइलेज, मतलब ये गाड़ी आपको एवरेज कितना दे रही है, मतलब आप अगर आप रफ रोड में जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो ये कितना माइलेज देगा वो भी शो करेगा, और कितने टाइम के बाद मतलब आप अगर रिजल्ट के बाद है, कितना टाइम के बाद आपका फ्यूल खत्म होगा उसका भी, मतलब कितने किलोमीटर के बाद आपका फ्यूल खत्म हो जाएगा उसका भी डिजिटल मतलब वो डिजिटल मीटर में शो होगा। ये बहुत खास बात दिया है होंडा ने। और खास बात है LED हेडलैम्प आपको ऐसा विजन देगा, आपको रात में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी गाड़ी चलाने में, और टेल लाइट अल्सो आपको एज वेल एज मिल रहा है हैलोजन लाइट। पहली बार होंडा ने 125 cc में दिया है, और ऑन ऑफ स्विच मतलब आपका जो राइट साइड एक्सीलेटर के पास रहता है रेड बटन में, आप स्विच ऑन करें और फिर गाड़ी स्टार्ट होगा, मतलब चाबी की कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से भी गाड़ी ऑफ करते हैं, आप मतलब जब गाड़ी रोकते हैं फिर चाबी ऑफ करते हैं, गाड़ी ऑफ होता है फिर ऑन करते हैं फिर से मारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, गाड़ी वैसे ही ऑन रहेगा और आप फिर सिर्फ स्विच से ऑफ ऑन कर सकते हैं। बहुत अच्छा किया है होंडा ने ये। और इसका मार्केट प्राइस करीब करीब आपको आ जाएगा इंडिया में 72,000 से 78,000 तक आपको ये गाड़ी मिल जाएगा, 6,000-7,000 बढ़ा दिया है होंडा ने, लेकिन रेट के अनुसार गाड़ी एकदम परफेक्ट है होगा, बहुत ही शानदार होगा गाड़ी। धन्यवाद आप हमारे चैनल को देखने के लिए, लाइक चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार।